दोस्तों का राम राम पहुँच है बुंदेलखंडी ब्लॉगर ने की वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो आज है परमा, तो आप लोगों ने कहा नवरात्रि और परमा की ढेर सारी शुभकामनाएं पहुँचे और आप लोग को दिन आज को कैसे हुआ कमेंट में बताइए। टियो भाई, मौसम का मजा लेते हुए पानी बरस रहा है, कूलर चल रहा है, टियो हवा खा रहा है, टियो को मजा आ रहा है, टियो को मजा आ रहा है। कहाँ हो गया उदास क्यों बैठा नहीं लाली को बेटू को टियो। और आज की बारिश अच्छी हो गई, बहुत तेज पानी है तो, और ठंडक भी हो गई थी पानी के बाद थोड़ी, और फिर दूसरे दिन हद से ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अभी को टाइम होगा को हमारा टाइम होगा दुकान जाने को, होगा नहीं होगा आज हम मतलब के पापा बैठे दुकान में। और 10 मिनट बची अभी को कोचिंग जाने में, तो पहुँचेगा कोचिंग सपने में। आज बहुत तेजी वाले बादल घूम रहे, फिर बहुत तेजी वाली धूप निकल रही। आज बहुत बहुत काम हो रहा, बहुत तेजी, बहुत धूप, बहुत ठंडक, बहुत गर्मी, बहुत अच्छो। जब मौसम अच्छो जब तो लगा घर से बाहर निकल गया कहूँ घूमन के। अभी लगा तुम्हें लगा चलो बताओ तुम्हें लगा चलो। हम अपनी बात कर रहे तो मैं लोहा नहीं जान जान है तुम्हें नहीं नहीं उनको परेशान ना करो करो नहीं खिलाने टियो मना कर दो। जो है दूसरे दिन सुबह को वीडियो, तो हम पेपर पढ़ रहे और अभी शायद नमकीन खा रहे और दुनियादारी की बात देखो सुनो पेपर में, तो बहुत दिक्कत होती कहाँ कैसे काम अचू कहूँ, तो लगत कि अब कोई के ऊपर भरोसा करे लायक ही नहीं है। आजकल की दुनिया में समझ में नहीं आता कैसे का करें, कैसे पेपर जब पढ़ो ना तो रोंगटे खड़े हो जाते कि की न की के साथ कैसे करूँ का भाव। और बस इतने किचन में आए थे तो देख रहे का कैसे सामान रखो खाना का है और का बनने हैं। तो पहले अनमोलवी के पापा बोले कि काम करो चलो अस्पताल दिखा लिया, आज अनमोल भी जल्दी आ गए, तो हम और अनमोल जा रहे अस्पताल। तो उसे आधार कार्ड लगा तो हम ई वाले पर्स में रहे आधार कार्ड सबके, तो वे निकाल रहे कि यार पापा को तो नहीं चाहिए, तो वे कह रहे नहीं चाहिए तुम दो जने अपने निकाल लो। तो अनमोल कह रहे यही सही है साड़ी और अब तैयार तो आप भाई, तो कैसे अनमोल का फिर थोड़ी देर बाद कोचिंग जाने और अस्पताल पहुँचे तो पता चलो कि आज मैं डॉक्टर हती नहीं। और बस जो है थोड़ी कंपनी बाग को एरिया हॉस्पिटल झरनई में है, तो जब देखो नहीं आती मैडम तो फिर हम लोग थोड़ी अंदर निकल गए। तो अंदर देखो तो मन में जो लग रहा था ना कि देख के आओ कि चद्दर उतनी है या कम हो गई, तो जैसे हर साल आती ना उतनी अब अभी चल रही। और
बहुत तेज आ रही थी, लेकिन इस साल तो पहले सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड टूट गई थी, हर साल से ज़्यादा इस साल आई थी, लेकिन अभी भी काफ़ी आ रही थी, तो विश्वास नहीं हो रहा, तो अभी भी इतनी ज़्यादा चल रही। और एक बार फिर से झरना पहुंचे देख के बहुत खुशी भाई, बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन काहे टाइम नहीं होता तो बस मुश्किल से 2 मिनट के लाने अंदर गई थी और वापस आ गए थे। फिर हम लोग आ गए तो जैसे घर में पहुंची तो अनमोल तो अपने काम में लग गई थी, और फिर हमने आकर थोड़ी सी चावल छौंकी तो अनमोल कह रही थी हल्को से खाना बना लो, अभी भी कह रही थी कि थोड़ी स्पाइसी से बना लो, तो अभी का जैसे कि ऑयली चीज़ें स्पाइसी बहुत पसंद है, तो हमने ये चलो ठीक है घर ही में बनाए दे रहे थे स्पाइसी से, तो हमने बनाओ सोयाबीन को पुलाव, और आज थोड़ी ज़्यादा बनूंगा, तो पैसे टियोखा भी बहुत पसंद है, तो टियोखा चावल नहीं दें, थोड़ी चावल दे हैं और बड़ी बड़ी ज़्यादा दे हैं, और बस अनमोल ले जाए हैं अपने रूम में तो हवा में बैठ के खा लें तो ठंडी भी हो जाए, खबर भी जाए। आज को वीडियो यहीं तक, आप लोग का कैसे लोग कमेंट बताइए, राम राम।